उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे। मुख्यमंत्री गोरखपुर को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और साथ ही पीएससी महिला बटालियन के भवन के लिए 5.5 अरब की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी लखनऊ से गोरखपुर में सुबह करीब 10:30 बजे पहुंचेंगे। योगी आपको बता दें कि पीएससी गोरखोराबार में आरोग्य मेले का उद्घाटन भी करेंगे, जहां इसके बाद करीब 12 बजे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में लगने वाले रोजगार मेले का भी उद्घाटन किया जाएगा। 1 बजे से 2 बजे तक स्थानीय एमजीपीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो गोरखनाथ मंदिर जाएंगे, जहाँ 4 बजे से 5 बजे के बीच खाद कारखाना परिसर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर वो और पीएससी की महिला बटालियन के भवन का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम योगी गोरखपुर में कई और अन्य कार्यक्रमों भी शामिल होने वाले हैं, तो गोरखपुर से आजमगढ़ के लिए भी रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का स्थलीय निरीक्षण भी इस दौरान वहां पर किया जाना है। और ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आज काफी व्यस्तम कार्यक्रम यहां पर होने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, लेकिन अहम बात यह कि कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर किया जाएगा, सौगात यहां पर प्रदेश को दी जाएगी। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ आज 9 बजे लखनऊ से निकलेंगे और करीब 10:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे, और उसके बाद उनका 2 दिन तक गोरखपुर में व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वो सुल्तानपुर भी जाएंगे और आजमगढ़ भी जाएंगे, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो निर्माणाधीन है, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार का सरकार बनने के बाद सीएम ने घोषणा किया था कि इसी सरकार में वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को चालू करवा देंगे, और अभी वो लगातार कह रहे हैं कि ये 3 अप्रैल तक जनता के लिए ये एक्सप्रेस वे खोल दिया जाएगा। तो इसीलिए समय समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण किया करते हैं। इसी क्रम में उनका 2 दिवसीय दौरा गोरखपुर का है, और उसके बाद वो 11 फरवरी को वाराणसी में रहेंगे। हालांकि वो 10 फरवरी को ही वाराणसी में पहुंच जाएंगे देर शाम तक, और उसके बाद 11 को वाराणसी में तमाम विकास की परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। और क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी वाराणसी है, इसलिए प्रमुखता से है, और पीएम नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को वाराणसी दौरे पर भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने क्षेत्र के साथ ही गोरखपुर के साथ ही पीएम के क्षेत्र वाराणसी पर भी फोकस किए हैं। इस 2 दिवसीय दौरे में वो व्यस्तम कार्यक्रमों में रहेंगे, क्योंकि जो बड़ी परियोजनाएं उन्होंने शुरू की थी वो लगभग पूरी होने वाली है, और कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। सबसे बड़ी परियोजना उनकी 5.5 अरब की है, जिसका जो शिलान्यास करेंगे, जिससे तमाम जो पुस्तकालय है, वाचनालय है, उसका लोकार्पण करेंगे महाविद्यालय में है। यानी कि इन दौरों के दौरान देखा जाए नरेंद्र, तो काफी एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं, और जाहिर सी बात है प्रदेश को सौगातों का भी दौर यहां पर कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए।